आने वाले लोगों को मैं सलाम करता हूँ। आज मैं आपको कच्छी मंडोर की एक प्रेम बताना चाहता हूँ जो ये बनाई हुई है। ये जो स्क्वायर और राउंड शेप, स्क्वायर और ट्राइंगल शेप, ये कच्छी मंडोर के मेन शेप है। इन्हीं शेपों के ऊपर पूरे का पूरा मंडोर का डिपेंड करता है। तो ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये अनकरेक्ट कच्छ में जितने भी लोग जो मजदूरत का काम करते हैं वो इसको रिपीट किया करते हैं। इस फ्रेम के अंदर हम लोगों ने अलग अलग कलर लिए, यहाँ रेड लिया, यहाँ पीच कलर लिया और मिरर लगा के और टप का वर्क जो है पॉइंट पॉइंट करके इसको बेटर किया। एक्चुअली मजदूरत की फ्रेम जो होती है वो एवरेज वाइट कलर की या लाइट कलर की होती है, लेकिन हमने क्या है कि वॉल हैंगिंग पीस के हिसाब से, लोगों की चॉइस के हिसाब से हमने ये कलर्स की पसंद किए। इसके अलावा मैं एक और एक फ्रेम आपको बताना चाहता हूँ, वो भी आप देखिए। ये जो फ्रेम है ये फ्रेम में ये हाथी बच्चे शेप या पिकॉक मोर ये जो बताया है ये क्या है, ओरिजिनल कच्छी मोटिव्स है जो कच्छ के क्राफ्टमैन जो आकृति जो देखते हैं, जैसे कि चीते को देखा या कुत्ते को देखा या बतख को देखा या शिप को देखा, और उन लोगों ने अपनी कल्पना के हिसाब से जो बनाया, मट्टी पे बनाया या प्रिंटिंग में बनाया या एम्ब्रॉयडरी में बनाया, उसको ये कच्छी मोटिव्स कहा जाता है। और ये कच्छी मोटिव्स का एक संकलन करते हुए हमने पूरा पेंटिंग बनाया है। इस पेंटिंग के अंदर पूरे का पूरा पेंटिंग में हमने पूरे का पूरा बैकग्राउंड लाइट कलर लिया है और उसके साथ में इसको प्रोमिनेंट करने के लिए ब्राइट कलर से मोटिव्स को सेटअप किया है। ये कच्छ की अच्छे से अच्छी कला है और इसके लिए आपके जो रिक्वायरमेंट है तो हमारा कॉन्टेक्ट करें तो हमसे